नमस्ते, पेट पूजा में आपका स्वागत है। सुंदर एक ऐसा डिश है जो साउथ इंडिया में ज़्यादातर बनाया जाता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, गणपति फेस्टिवल हो या फिर व्रत हो नवरात्रि के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने भिगा कर रखा है 1 कप काबुली चना। इसे आपको लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भिगा कर रखना है 1 कप पानी में। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए ये परफेक्ट साइज में बन चुका है। तो अब इसे हमें डालना है कुकर में। ये देखिए इस तरह से हम कुकर में डाल देते हैं, बड़ा सा कुकर में। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे 4 सीटी आने तक। 4 सीटी के बाद इसे डीप प्रेशर करते हैं। देखिए डीप प्रेशर कर लिया और अब हम काबुली चना चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं। ना ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा नरम, ये परफेक्ट है और ये तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल। साथ में हम डालेंगे इसमें सरसों, उड़द की दाल। हम यहाँ पे लेंगे हरी मिर्च, 2 हमने इस तरह से स्लिट करके लिया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे और स्वाद के अनुसार हींग डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और इसे अच्छे से हम टॉस करके लेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसे आपको लगातार चलाते रहना है। अब इसमें जो चने हैं जो हमने भिगाए थे और इसे बॉईल किया था, वो इसमें हम डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। ऑलरेडी हमने नमक चने में डाला है जब हम इसे सीटी देने वाले थे कुकर में, तो ध्यान से डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, आप तुरंत इसे बना सकते हैं। बस आपके चने अच्छे से भिगा कर रेडी हो जाने चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, लगभग हमने 3/4 कप लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये देखें ये मिक्स हो चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए हम सेटल होने देंगे ताकि पूरा स्वाद एक साथ आ जाए। तो ये देखिए कुछ देर बाद हमने चेक किया तो ये सुंदर बनकर रेडी है। ये चने का सुंदर हमने बनाया है। इस तरह से आप बाकी के भी लेंटिल्स यानी कि राजमा, इससे भी आप बना सकते हैं। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आज आपको ये सुंदर की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर पेट पूजा के वीडियोस अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।